YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जिसपे अभी काफी गजब की रैली है और अगर आपके पास ये शेयर है तो निश्चित रूप से इसे होल्ड करना चाहिए। एक मिड कैप मल्टी बैगर शेयर है ये, और ये शेयर है कैपिट टेक्नोलॉजी। पहले भी मैंने इसमें वीडियो बनाया था काफी पहले समय, जैसे 6 मंथ 1 ईयर पहले। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो निश्चित रूप से इस स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा। ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, काफी जबरदस्त है। अगर इस शेयर की बात करें तो मार्केट कैप जो है 19,000 करोड़ का है। बात करें कंपनी के बिजनेस का, कंपनी जो है एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है वो देखिए ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट एंड विथ कनेक्ट टू फ्यूचर से कनेक्ट रहने वाले टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करती है और काफी बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है। और इसका जो मुख्य रेवेन्यू आता है वो यूरोप से, यूएसए से, जापान से, चाइना से, थाईलैंड से और इंडिया से, मतलब वर्ल्ड वाइड जो इसका रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए 41% रेवेन्यू आता है यूएसए से, 39% यूरोप से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 20%। इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो ज्योग्राफिकल वाइज काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करें कंपनी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6%। ये तो आपको खास नहीं दिख रहा है, लेकिन जो चार्ट पे स्टॉक का प्राइस है उसमें काफी जबरदस्त मूवमेंटम देखने मिला है। डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है 0.21%, जबकि ये 2020 के गिरावट से लगभग स्टॉक जो है वो 18 से 20 गुना ऊपर जा चुका है। तो समझ जाइए कि ये डिविडेंड यील्ड कितना ज्यादा है, काफी ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक जो लगातार ग्रोइंग मोड में है। उसके बाद डिविडेंड आपको काफी दिख रहा है अच्छा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें मात्र 42.4% है, तो हमारा मिनिमम जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होना चाहिए वो 40% होना ही चाहिए। और यहाँ पर प्लीज परसेंटेज 1.44% जो कि निग्लिजिबल है, मतलब इसको कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक 10% से ज्यादा प्रमोटर्स का होल्डिंग प्लीज ना हो तो हम कंसिडर नहीं करते, यहाँ तो 2% से भी लेस है। अब डेट इक्विटी की बात करें 0.17 डेट इक्विटी है, मतलब काफी कम डेट है कंपनी के ऊपर। और टोटल डेट की बात करें मात्र 210 करोड़ का है, और जबकि रिजर्व जो कंपनी के पास 1000 करोड़ का है। और जो कंपनी जो है नेट प्रॉफिट अर्न करती है, एनुअल प्रॉफिट 220 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी जबरदस्त दिख रही है। अब बात करें इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का, तो यहाँ पर सेल्स देखिए, जो टॉप लाइन ग्रोथ है 2019 में 641 करोड़ का सेल्स था जो कि लगातार यहाँ पर बढ़ा है, और 2021 में हो चुका है 2000 करोड़ का सेल्स। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में था 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो कि बढ़ के हो चुका है 146 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2021 में। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो जो शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 270 करोड़ का, और जो कंपनी के पास रिजर्व है वो तो लगातार बढ़ा ही है। डेट जो कंपनी के ऊपर लगातार यहाँ पर कम हुआ है, मतलब पिछले साल 2021 के मार्च में देखिए यहाँ पर 230 करोड़ था, जबकि सितंबर 2021 से मात्र 210 करोड़ बचा है। अब फंडामेंटल पैरामीटर्स में जो कैश फ्लो है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्या कैश जो है कंपनी अपने बिजनेस से जनरेट कर पा रही है या नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो काफी बेहतरीन कैश है और लगातार कैश फ्लो यहाँ पर बढ़ रहा है, और नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी लगातार पॉजिटिव है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के पास जो है कैश फ्लो जनरेट हो रही है, तो काफी बेहतरीन साइन है। ऐसे कैश रिच कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टर सेक्शन का, यहाँ पर जो प्रमोटर्स है उसका स्टेक 40% है, यहाँ पर थोड़ा सा 1% डिक्रीज हुआ है 2019 से लेकर 2021 तक में। अब FIs का स्टेक यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, 27 था यहाँ पर 20% बचा है। DIs का स्टेक बढ़ा है 6 से 12% हो चुका है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पर देखिए 22% से 24% हो चुका है। ऐसे बेहतरीन स्टॉक में देखिए पब्लिक भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो काफी बेहतरीन साइन है। ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में हम लोगों का स्टेक होना ही चाहिए, तभी हम अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं। अब देखिए चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट काफी सॉलिड है, लगातार स्टॉक जो है ग्रोइंग मोड में है। देखिए जैसे हम यहाँ से बात करते हैं जुलाई 21 से, यहाँ देखिए रैली किया और थोड़ा सा ये साइडवेज चला, यहाँ तक ये स्टॉक यहाँ पर साइडवेज था, तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है अगस्त के बाद स्टॉक साइडवेज रहा, नवंबर फिर से रैली स्टार्ट हुआ और यहाँ से रैली दिखाता है, फिर गजब का दिसंबर सुबह तक, फिर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर से यहाँ पर गजब का रैली दिखाया इस स्टॉक्स ने। तो जब इस तरह के स्टॉक्स जो है रनिंग मोड में हो तो क्या करना चाहिए, देखिए कभी भी ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन दिखाता है, करेक्शन के बाद
फिर से जैसे इसमें तेजी आती है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। इस तरह के स्टॉक्स में करेक्शन का आपको वेट करना चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको बाय नहीं कर लेना है क्योंकि हो सकता है यहाँ से करेक्शन दिखाए तो स्टॉक्स नीचे आएगा। करेक्शन के बाद जब फिर से रैली शुरू होगा तब बाय करना, क्योंकि करेक्शन के बाद हो सकता है स्टॉक्स नीचे भी आए। जैसे यहाँ पर करेक्शन आया, करेक्शन के बाद देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते थे, यहाँ पर जस्ट नीचे इसको स्टॉप लॉस रखते। फिर यहाँ पर देखिए करेक्शन हुआ, करेक्शन पर जैसे यहाँ पर तो पिछले दिन आप बाय कर सकते थे 629 रुपये के प्राइस पे, और जबकि 590 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो देखिए इस तरह से आपको बाय करना है, कहीं पे भी करेक्शन दिखा था, करेक्शन के बाद जैसे फिर से रैली शुरू होगा तब आपको बाय करना है। इसमें फिलहाल कोई भी स्टॉप लॉस हम आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, टारगेट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि स्टॉक्स जो एक बुल रैली में है और ये एक मिड कैप स्टॉक्स है। जनरली हम एक स्टॉप लॉस के साथ वैसे स्टॉक्स को लेते हैं जिसमें काफी लिक्विडिटी होती है, जो निफ्टी 50 के हिस्से हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 के हिस्से हैं, तो इस स्टॉक में हम स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं। यहाँ पर तो ये एक मिड कैप स्टॉक्स है जिसमें काफी जबरदस्त रैली है, तो इस रैली का अगर आपको मजा लेना है तो कभी भी जैसे यहाँ पर करेक्शन होता है, करेक्शन पे आपको बाय करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है। करेक्शन पे बाय करना कब है, जब उसमें फिर से साइन दिखे तेजी का। अगर मंदी का साइन दिखता है तो फिर अवॉइड करना है, मंदी का साइन मतलब लगातार गिरावट दिखता है तो आपको बाय नहीं करना है। जैसे करेक्शन के बाद फिर से तेजी दिखेगा तो बाय करना है, ये स्ट्रेटेजी आपको इसमें अपनाना पड़ेगा इस तरह के स्टॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।